हेलो एवरीवन, जतिन दिस साइड फ्रॉम ग्लैड ट्यूटर। और आज हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग के बारे में। सो इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस के मीनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, और किस क्या क्या मेथड्स होते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के, क्या क्या एप्लीकेशन होती है, क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके, क्या लिमिटेशन होते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाते हुए क्या क्या एरर्स आते हैं और उन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दिस इज़ द पार्ट 9 ऑफ आर बेसिक अकाउंटिंग सीरीज़। अगर आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी है जर्नल एंट्रीज़ के बारे में या लेजर पोस्टिंग के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या इस पूरी वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिंक डाल दिया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम आइए शुरू करते हैं। सो वन सेकेंड, या लेट स्टार्ट विद दी बेसिक प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग का होता है, डेट इज़ IMRCSAC। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं, आर स्टैंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है जर्नल एंट्रीज के बारे में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वो बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सी, विच इज़ नोन एज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या करते हैं हम, उस ट्रांजेक्शन जनरल एंट्रीज पहले करते हैं, फिर जनरल एंट्रीज में जो जो अकाउंट्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में उसको हम पोस्ट करते हैं एंट्रीज को, तो लेजर पोस्टिंग हो जाता है। लेजर पोस्टिंग के रिगार्डिंग भी हमने रिसेंटली एक वीडियो डाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज समराइजिंग। अब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में लेजर में हमने अकाउंट्स उनके बना दिए एंट्रीज के, अब एक समराइज करने के लिए उनकी हर अकाउंट में कितना कितना डेबिट क्रेडिट हुआ है, तो उसके लिए हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, तो वो समराइजिंग के अंदर आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करेंगे। एंड ए स्टैंड फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एंड सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो आइए बात करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस के बारे में। सो मीनिंग क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, एक सिंपल मीनिंग बता देता हूँ कि जब लेजर अकाउंट जो बनाते हैं हम, तो उसमें हम करते हैं क्या, अपनी सारी जर्नल एंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट बनाते हैं, कि अगर कैश अकाउंट में इतनी एंट्री हुई तो कैश का अलग से लेजर अकाउंट बनेगा, वैसे परचेज का अलग से बनता है, सेल्स का अलग से बनता है। तो उन सब के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उसको हम यहाँ पे डालते हैं ट्रायल बैलेंस में, हर अकाउंट के डालते हैं, और उसका पूरा जो रिकॉर्ड होता है लेजर अकाउंट्स का, वो एक स्टेटमेंट जो बनता है उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसमें चार चार या पाँच कॉलम्स होते हैं, लाइक पहला टाइटल होता है, फिर पर्टिकुलर होता है, सॉरी पहले सीरियल नंबर होता है, फिर पर्टिकुलर होता है, फिर लेजर फोलियो होता है, फिर डेबिट और क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें डेबिट एंड क्रेडिट को इक्वल लेके आना है, बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, अगर नहीं है तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या एरर्स है। जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनता है, और इससे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उससे बहुत हेल्प होती है। सो दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग। नाउ कम टू दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हेल्प्स इन असर्टेनिंग दी अर्थमेटिकल एरर्स। तो ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, अर्थमेटिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटेंट्स बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं जब वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अंडर द डबल डबल एंट्री बुकिंग बुकिंग सिस्टम। तो जब डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करती तो इसके दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न होता है या तो आपने एरर करा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। सेकंड रीज़न होता है या आपने कोई अकाउंटिंग मिस्टेक कर दी है जब आपने लेजर में ट्रांजेक्शन करी थी। ओके, या तो आप जर्नल एंट्री में एरर करोगे या आप लेजर में एरर करोगे। तो इन दोनों एरर्स को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में। सेकेंड होता है हेल्प्स इन असर्टेनिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हेल्प करता है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सके। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा एक्सपेंस और रेवेन्यू का अकाउंट होता है वो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के अकाउंट होते हैं वो जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव था ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग का। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है हेल्प्स इन समराइजिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वाइल रनिंग अ बिजनेस। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है एक कंसोलिडेटेड समरी होता है ऑल ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल, जो एक फाइनेंशियल ईयर में होती है।
तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो एक बेटर डिसीजन ले सके इसके रिगार्डिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग। नाउ कम टू द मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग। सो बेसिकली दे आर थ्री मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट इज द टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है, एक लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें होता है कि दोनों के कॉलम्स इक्वल होने चाहिए फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। बैलेंस मेथड क्या होता है, ये बहुत ये वाला मेथड हर जगह यूज़ होता है, मोस्ट पॉपुलर है ये। इस मेथड में क्या करते हैं कि दोनों अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। जब उन दोनों की बैलेंस फिगर हम डाल देते हैं यहाँ पे, तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, सेम को हेल्प होती है कि एक्यूरेसी कितनी सब में, ठीक है। थर्ड वन इज़ दी टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें चार कॉलम होते हैं, एक होता है क्रेडिट का टोटल, एक होता है डेबिट का टोटल, एक होता है अकाउंट्स का टोटल, अकाउंट्स का क्रेडिट होता है, एक अकाउंट्स का डेबिट होता है। तो ये दोनों का वो होता है कॉम्बिनेशन होता है। तो फर्स्ट मेथड मेथड में क्या था, टोटल वाले में दोनों का डेबिट क्रेडिट होता था लेजर अकाउंट का। बैलेंस वाले में होता था कि दोनों का बैलेंस का होता था, फर्स्ट वाला अकाउंट अकाउंट पे होता है, दूसरे वाला बैलेंस पे होता है, और तीसरे वाला दोनों पे होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो मेजर एप्लीकेशन होती है वो तीन तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ दी एडजस्टमेंट्स आर मेड इजी। सो एडजस्टमेंट आर मेड इजी में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक लिस्टिंग होता है ऑल डेबिट्स और क्रेडिट्स का, ठीक है, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में पता चलता है एक स्पेसिफिक मोमेंट टाइम में। तो हैविंग एन एक्यूरेट ट्रायल बैलेंस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, कि वो किस तरह से हेल्थ कैसी है उसकी इस टाइम पे, अभी उसको उसको हम आगे के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसी होगी, और उससे उसमें अगर कोई इश्यूज भी आ रहे हैं पोटेंशियल इश्यूज, तो हम वो उसको चेक कर सकते हैं कि इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू कि ये इश्यूज आ रहे हैं, और उसी के रिगार्डिंग हम कुछ एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। इंक्रीजेज दी क्रेडिबिलिटी। तो बैंक एंड क्रेडिट एजेंसीज जो होती है वो भी ट्रायल बैलेंस यूज़ करती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए, या एक बोरोइंग कैपेसिटी चेक करने के लिए। तो डिस्पाइट ऑल द एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो एक बहुत ज़रूरी होता है कि हम अब एक याद रखें कि ट्रायल बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि जीरो एरर्स है, इवन देयर आर बैलेंसिंग मिस्टेक्स, तो ट्रायल बैलेंस भी बैलेंस होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है तो उससे लेजर इफेक्ट होंगे, और पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस का पिक्चर भी चेंज होगा। तो क्रेडिबिलिटी के लिए भी माना जाता है ये जो ट्रायल बैलेंस होता है। थर्ड वन दी हेल्प्स इन ऑडिट। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ ऑल योर लेजर और बैलेंस होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है बट डेबिट अमाउंट है, ओके, तो पूरा लेजर चेक होगा, ठीक है। तो एडिटर्स को पूरा एडिटर्स जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस यूज़ करते हैं अगर कोई भी एरर आता है, तो ट्रायल बैलेंस एक ऑडिट में बहुत हेल्प करता है ऑडिटर्स को, ओके। नेक्स्ट वन इज़ दी एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है कि बैलेंस चेक कर सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट का कितना बैलेंस है, कोई भी एरर हमने जनरल एंट्री में करे तो यहीं से चेक कर सकते हैं, कोई भी लेजर अकाउंट में एरर चेक कर सकते हैं यहीं से, फाइनेंशियल अकाउंट यहीं से बनते हैं क्योंकि मैंने बताया था एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट सारा जाता है उसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे अकाउंट्स को आप यहीं पे लिस्ट कर सकते हो, जितने भी आपके सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, एंडिंग बैलेंस आप सबका चेक कर सकते हो यहाँ पे, कोई भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रह गई है तो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, किसी भी अकाउंट का एक मिसिंग बैलेंस रह गया तो वो जान सकते हो, पूरी मैथमेटिकल एक्यूरेसी यहीं पर पता चल जाती है आपकी रिकॉर्डिंग किस तरह से हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। तो ट्रायल बैलेंस ये प्रूव नहीं करता कि सारे ट्रांजेक्शन हो चुकी है, अगर बैलेंस इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ट्रांजेक्शन हो चुके, क्या पता कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हो जिसका बहुत जगह पे इफेक्ट हो, डेबिट पे भी हो क्रेडिट पे भी हो, तो दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं हुई होगी तो बैलेंस तो इक्वल आएगा ही, और इसका मतलब ये नहीं होता कि लेजर करेक्ट है। बस ट्रायल बैलेंस होता है क्या, एक समराइज कर देता है कि हाँ जो आपने इतनी मेहनत करी थी, इतने सारे अकाउंट्स बनाए थे, उसको आप एक सिंगल पेपर पे दिखा सकते हो अपने टॉप मैनेजमेंट को, ताकि उनको पूरा का पूरा अकाउंट बैठ के पढ़ना ना पड़े। बहुत सारे एरर्स भी हो सकते हैं अगर ट्रायल बैलेंस तब एग्री कर रहा है तब भी, और ये एक मिसिंग एंट्री को नहीं फाइंड आउट कर सकता बहुत बारी, जनरल में कोई मिसिंग एंट्री को फाइंड आउट नहीं कर सकता, कर सकता है बट हर बार इनका नहीं होता, रिपीटेड पोस्टिंग को नहीं हम चेक बचा सकते, ऑफ सेटिंग एरर जो कोई कर रहा है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल किसी ने कर रहे हैं, वो हमें खुद ही बाद में रेक्टिफाई करने पड़ते हैं, वो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एरर्स ऑफ कमीशन को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते,
एरर ऑफ ओमिशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये जो चारों एरर है ना, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस इन बेसिक अकाउंटिंग। नाउ कम टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। मैंने कहा था ना अभी एरर्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द दिस आर द फोर एरर्स विच मोस्टली कम वाइल दी वैन वैन वी डू दी मेक प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट एरर होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, मेनली जो हमारा एरर हम रॉन्ग पोस्टिंग और ट्रांजेक्शन कर देते हैं, या रॉन्ग टोटल कर देते हैं अकाउंट्स का, या रॉन्ग बैलेंसिंग कर देते हैं, या रॉन्ग कास्टिंग कर देते हैं, रिकॉर्डिंग कर देते हैं, तो उसको हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, ओमिशन एक सिंपल सा वर्ड है जो आपको समझ आ रहा होगा कि भूल जाना किसी भी ट्रांजेक्शन को या एंट्री को। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कंप्लीट ओमिशन कि आप पूरा भूल गए, ठीक है, रिकॉर्ड करना। एक होता है पार्शियल ओमिशन कि आपने एक ट्रांजेक्शन को सब्सिडरी अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया बट उसके लेजर में पोस्ट करना भूल गए, ठीक है, तो वो होता है पार्शियल ओमिशन। एक होता है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है, जैसे मान लो एक ट्रांजेक्शन है कि आपने वो ख़रीदा है, क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो आपने 20,000 का फर्नीचर ख़रीदा, ठीक है, वो आपने फर्नीचर अकाउंट में भी पोस्ट नहीं करा और आपने उसकी इनकम भी पोस्ट नहीं करी, ठीक है, बस दो जगह पे पोस्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो दोनों जगह पोस्ट ना हो तो क्या होता है, वो कंपनसेटिंग एरर हो जाता है कि उसका जो इफेक्ट है वो नील हो जाता है कि कहीं पे भी नहीं हुआ, तो आपको बैलेंस से पता नहीं चलेगा। वो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आप जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन होते हैं उसके अगेंस्ट में आप कोई एंट्री करते हैं, उसके रूल्स फॉलो नहीं करते, तो उसको हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो आई थिंक मैंने एरर्स के बारे में बता दिया। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आपको एरर चेक करना है तो। सो द फर्स्ट दीज आर द एग्जाम्पल। फर्स्ट है कि अगर ए ने बी को 5,000 रुपये दिए गुड्स परचेज करने के और उसकी एंट्री कैश बुक में सही है बट जो लेजर में पोस्टिंग हुई थी वो 500 रुपये की हुई थी, तो ये कौन सा एरर होगा? आपका आंसर बताया था ये होगा एरर ऑफ कमीशन, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर रॉन्ग पोस्टिंग कर दी ना एंट्रीज की, ठीक है। सेकंड वन इज दी आपने 10,000 रुपये का क्रेडिट परचेज करा बट उसको आपने परचेज बुक में दिखाना भूल गए, तो इसका क्या होगा? दिखाना भूल गए मतलब रिकॉर्ड नहीं करा, भूल गया तो क्या होगा, ओमिशन आ गया ना, तो एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा। थर्ड है कि कैश बुक 1,000 से ओवरकास्ट हो गया एंड परचेज बुक अंडरकास्ट हो गया 1,000 से, तो क्या हुआ, कंपनसेटिंग इफेक्ट पड़ गया, नील इफेक्ट हो गया ना, 1,000 रुपये मांगे 1,000 रुपये मांगे तो नील इफेक्ट हो गया, तो ये कौन सा एरर हुआ, कंपनसेटिंग एरर। फोर्थ वन इज दी द परचेज ऑफ मशीनरी 50,000 रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंसिपल ही गलत लगा दिया आपने, मशीनरी परचेज करी थी तो आपको मशीनरी अकाउंट डालना चाहिए था, ठीक है, तो इन्होंने परचेज बुक में डाल दिया, तो यहाँ पे लगेगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेल्स बुक हुई है अंडरकास्ट बाई 250 रुपीज, अंडरकास्ट हुआ है तो ये आएगा हमारा एरर ऑफ कमीशन। 20,000 का फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया और उसका इनकम भी पोस्ट नहीं किया, तो ये क्या हो, नील इफेक्ट हो गया हर जगह पे, तो ये जाएगा कंपनसेटिंग एरर में, ठीक है। सो दिस इज दी सॉल्व एग्जांपल, ये आंसर थे। नाउ कम टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि हम एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करें। तो रेक्टिफाई करने का एक इसमें हमने दो तरह के से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं रेक्टिफाइंग को, जो दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है कि आपने एक तो सॉरी आपने एक एरर्स वो होता है जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है, और एक एरर्स होते हैं जिससे इफेक्ट पड़ता है। जिनसे इफेक्ट नहीं पड़ता पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो जिनसे इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एक से दो अकाउंट इनसे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता पहले समझना चाहिए, क्योंकि इनसे इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इनका नील इफेक्ट होता है, एक या दो जगह पर इफेक्ट पड़ रहा होता है तो पता नहीं चलता हमारे को। तो इनसे क्या होता है, ये एक से दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है, तो इसको हम टू साइडेड एरर्स कहते हैं। इनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय पासिंग जर्नल एंट्री गिविंग द करेक्ट डेबिट साइड एंड क्रेडिट करेक्ट द क्रेडिट साइड। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक कैंसिल द इफेक्ट करना होता है, जो हम रॉन्ग डेबिट क्रेडिट कर देते हैं उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब इसके लिए हमें एक दोनों तरफ एंट्रीज करनी पड़ती है। तो जब एक शॉर्ट डेबिट हो जाता है और एक्सेस क्रेडिट हो जाता है तो हमें डेबिट डालना पड़ता है उस कंसर्न अकाउंट में, और जब शॉर्ट क्रेडिट हो जाता है और एक्सेस डेबिट हो जाता है तो हमें कंसर्न अमाउंट में शॉर्ट क्रेडिट डालना पड़ता है। थर्ड वन इज द कंप्लीट ओमिशन, अगर आप कंप्लीट ओमिशन भूल गए हो किसी एंट्री को करना, या आपने इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग कर दी उस ट्रांजेक्शन की, कंप्लीट ओमिशन कर दिया, तो भी वो एरर्स को हम, ये वो एरर्स होते हैं जिनसे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ इनको हम इस तरह से रेक्टिफाई करते हैं। अब जो हमारे एरर्स होते हैं जिनसे इफेक्ट पड़ता है, ये एरर वो होते हैं जो खाली एक अकाउंट को इफेक्ट कर रहे हैं,
एक अकाउंट में तो पोस्टिंग होगी और दूसरे में नहीं हुई, तो बैलेंसिंग में डिफरेंस होगा, तो इसको हम कहते हैं वन साइडेड एरर्स। ठीक है, इसको हम रेक्टिफाई करते हैं बाय जस्ट गिविंग ए एक्सप्लेनेटरी नोट कि ये जो हमारा, और हम एक्सप्लेनेटरी नोट कर देते हैं और या कभी कभी इस एंट्री को हम पास कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट आपने सुना होगा बहुत बारी, तो वो इसी इसी के लिए होता है। और जब भी हम ऐसे एरर अगर हमने लेजर में पोस्ट करने के बाद देखा है तो हम सस्पेंस अकाउंट डालेंगे। अगर मान लो आपने लेजर में पोस्ट करने से पहले ये एरर देख लिया, तो आप सिंपली जो रॉन्ग अमाउंट है उसे क्रॉस करके नंबर ठीक कर सकते हैं वहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। सो आई होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो ऑफ लेजर, दिस ट्रायल बैलेंस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक इट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। और इफ यू वॉन्ट द कम्प्लीट PPT ऑफ दिस वीडियो, आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।